नमस्कार क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मैं दिखाई दे रहा हूं जल्दी से बता दीजिए तुरंत से पहले क्या मैं दिखाई दे रहा हूं जल्दी फटाफट से बताएं क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं बेटा आज का लेक्चर तो सभी लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में पहला लेक्चर है आज हमारा आज से हमारे बैच की स्टार्टिंग हो रही है और आज आपकी जो पहली क्लास है वो यूट्यूब पर रहेगी बाकी जो क्लासेस हैं वो ऐप पर रहेगी आज की दोनों क्लासेस यूट्यूब पर रहेगी है ना एम सर की जो क्लास है वो इसी चैनल पर आठ बजे एम सर आपसे मुलाकात करेंगे तो आज वाली क्लासेस आपकी YouTube पर और कल से फिर हम ऐप पर वापस आएंगे ठीक है क्लियर है एकदम स्टार्ट कर सकते हैं क्या बात है भाई एकदम झमाझम दिख रहा हूं मैं तो आज चलो भाई शुरू करें फिर तो भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ साढ़े तीन करोड़ लोग जुड़े हुए हैं ठीक कॉपी पेन लेके बैठे एकदम तैयार हो सभी लोग चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर ठीक तो आज है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर वन है और आज हम सॉल्यूशन का बेसिक समझेंगे और कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझेंगे और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है टर्म्स आप क्लास इलेवंथ में पढ़ चुके हो लेकिन हम आज एक लेक्चर इसको दे रहे हैं ताकि आपका रिविजन भी हो जाए क्योंकि सोल्यूशन चैप्टर में टर्म्स का बहुत बार यूज होता है। बहुत बार बार यूज यूज होता होता है 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 ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे अपन तो आज का गोल हमारा क्या है बेटा आज का गोल है बेसिक ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई होप सभी लोग जुड़ चुके होंगे हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है जो आपको पढ़ाया जाए उसके नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं लेकिन आपके खुद के नोट्स अगर होंगे बेटा तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी वो क्योंकि खुद की राइटिंग में लिखे हुए नोट्स से फीलिंग आती है और पढ़ाई में भी मन लगा रहता है ठीक है क्लियर है एकदम चलो भाई तो शुरू कर रहे हैं हम कॉन्सटेशन टर्म और बेसिक ऑफ लिक्विड सोल्यूशन अच्छा सबसे पहली बात सॉल्यूशन बनता कैसे है बता दो जरा फटाफट से चैट बॉक्स में सॉल्यूशन बनता कैसे है आप सभी लोगों को पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है सॉल्यूशन बन जाता है है ना तो मेरे पास क्या है सॉल्यूट है सॉल्यूट में अपन ने क्या मिला दिया सॉल्वेंट को या ऐसा बोलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दिया क्योंकि यूजुअली पता क्या होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है लार्ज क्वांटिटी होती है वो यूजुअली सॉल्वेंट कहलाता है ठीक है तो हम ऐसा बोलने तो ज्यादा अच्छा है कि हमारे पास सॉल्वेंट है हम उसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं ठीक है थीके? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है सोल्यूशन बनता है क्या बनता है सोल्यूशन बनता है अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम मान के चलेंगे वो क्या मान के चलेंगे बताओ क्या क्या हो सकता है आप चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दो बिल्कुल बेसिक सी चीज है सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं आप बताइए जरा सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं बताइए जरा सोचो दिमाग में सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो, 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 हो सकता है गैस हो सकता है वैसे ही सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो सकता है क्लियर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको यूजली यहां पर जो दिखने में आएंगे वो आएंगे ये सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है वैसे ही ये सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई मैं सॉलिड सॉल्यूट लेकर सॉलिड सॉल्वेंट ले सकता हूं सही बात है मैं सॉलिड सॉल्यूट लेकर लिक्विड सॉल्वेंट ले सकता हूं सही बात है मैं सॉलिड सॉल्यूट लेकर गैस या सॉल्वेंट ले सकता हूं ऐसे ही और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो लिक्विड लिक्विड के साथ ये सॉलिड मतलब, से कोई भी हो सकता है और सॉल्यूट भी आपका सेम ऐसा ही हो सकता है क्लियर है एकदम अब जो ये चैप्टर है इस चैप्टर का नाम होता है लिक्विड सॉल्यूशन तो यहां पर हम बहुत बार सॉलिड जो सॉल्यूड uh, जो होता है वो लिक्विड लेते हैं जो सॉल्यूट होता है वो लिक्विड लेते हैं और सॉल्वेंट भी लिक्विड लेते हैं इसलिए हम लिक्विड सॉल्यूशन इसको बोल देते हैं है ना तो बहुत आसान सी चीज है सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं और ये क्या क्या, -क्या चॉइसेस हो सकती हैं आपके सामने लिखी हैं मैं मैं इस में, मैं इस चैप्टर चैप्टर में में सॉल्वेंट को ए मान के चलता हूं और सॉल्यूट को बी मान के चलता हूं ठीक है ये आप अभी से फिक्स कर लो तो ए में बी मिला दिया तो क्या बन गया ए प्लस बी क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया क्लियर है एकदम एकदम क्लियर है आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा लिखने का आप बिल्कुल लिखें तो फटाफट से इसको नोट कर लें आप साइड में हट जाता हूं मैं क्लियर है समझ गया ना बात को तो बहुत सिंपल सी चीज है आई होप आप सभी लोगों को पहले से पता भी होगी होनी भी चाहिए डन जैसे ही आप लिख लो तो बता देना चैट बॉक्स में लिख देना डन सर तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी भावनाएं जो है हम तक पहुंच चुकी है और हम आगे बढ़ सकते हैं लिख लो तो बता देना नोटेड चलो बहुत बढ़िया वेरी नाइस nice. अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बिहाब पर हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया सॉलिड लिक्विड गैस ले सकते हो सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूट में भी ले सकते हो सॉल्वेंट में भी ले सकते हो तो क्या कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे वो देखो जरा ठीक है ये टेबल आप ध्यान रखना एनसीईआरटी की टेबल है देखो एनसीईआरटी भी आपकी साथ साथ कवर होती जाएगी ध्यान रखना है ना तो बहुत सिंपल सी बात है जो सॉल्वेंट का फेज होगा ध्यान से देखो जरा जो सॉल्वेंट का फेज होगा उसी के नाम से सॉल्यूशन कहलाता है जो सॉल्वेंट का फेज होगा उसी के नाम से सॉल्यूशन कहलाता है जैसे गैसीय सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो सॉल्वेंट सभी में क्या है गैस सिमिलरली अगर सॉल्वेंट लिक्विड है देखो जरा तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है सही बात है ना कितना आसान है अगर सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है मतलब सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही लिक्विड सॉल्यूशन का फेज होता है

कि हमने गैस में गैस मिलाया मीन गैसीय सोल्यूशन है सिमिलरली और भी एग्जाम्पल जैसे क्लोरोफॉर्म है लिक्विड है ठीक नाइट्रोजन क्या है गैस है तो लिक्विड को गैस में मिला दिया मतलब आपका गैसीय सोल्यूशन बना जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही इसका फेज होगा सोल्यूशन का है ना सॉलिड के साथ गैस का कॉम्बो देखो कैम्फर सॉलिड होता है नाइट्रोजन गैस में मिला दो सिंपल है एकदम सिमिलरली लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो गैस इन लिक्विड जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व रहती है जानते हो आप लिक्विड का लिक्विड में इथेनॉल हो गया आपका सी टू एच फाइव पानी में मिला दो सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन है ना और ये जो पूरा चैप्टर है वो लिक्विड सॉल्यूशन के अराउंड घूमता है मतलब लिक्विड लिक्विड वाला ज्यादा तर पोर्शन आपको ये मिलेगा क्लियर चलिए भाई अगला सॉलिड लिक्विड देखें तो ग्लूकोज को डाल दो पानी में तो क्या बन जाएगा आपका ये लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा गैस इन सॉलिड हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है ठीक है सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन एक क्या बना लेगा सॉल्यूशन बना लेगा जिसको क्या बोलोगे आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे बहुत आसान है लिक्विड इन सॉलिड देखो देखो तो अमलगम ऑफ मरकरी सोडियम बोलते हैं इसको अमलगम मतलब एक मेटल के कुछ वाइट वगैरह होते हैं उसमें दूसरा मेटल आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन अमलगम है ना ऐसे अगला देखो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड दो मेटल का हमने क्या करा मिक्सर कर दिया तो समझ रहे हो किस तरीके की कहानियां चल रही हैं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही लिक्विड सॉल्यूशन का फेज होगा ठीक है एक बच्चा कह रहा है कि सर ये हाइड्रोजन इन पैलिडियम को अक्लूजन बोलते हैं बेटा वो सरफेस केमिस्ट्री वाली बात है वो आगे जब पढ़ेंगे तब तो हम बात करेंगे है ना क्लियर एकदम तो ये कहानी है टेबल बना लो फटाफट से टेबल आप बना लीजिए टेबल आप बना लीजिए यस 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 एक बच्चा कह रहा है अलकीन में हमने पढ़ा था अल्किन की प्रॉपर्टी होती है से बनाते हैं ना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है वो जो कह रहे हो तुम है ना क्लियर टेबल आप बना लें तो बता देना टेबल आप बना लें तो बता देना फिर मैं आगे बढ़ूंगा नोट्स भी प्रॉपर आपके बनते रहने चाहिए देखो बेटा जिसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं ना उसके बच्चे उससे हमेशा खुश रहते हैं ध्यान रखना है ना नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। जितना अच्छे आपके नोट्स होंगे ना उतना बढ़िया आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के ठीक डन चले आगे चैट बॉक्स में लिखकर बता देना डन हो जाए तो।, तो सर आपने जो टेबल बताई इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है क्या बिल्कुल बन सकता है और नीट में तो बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के क्यों क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं से सवाल आने के डन एकदम ठीक है चले चला जाए चलो बहुत बढ़िया आओ जरा इसी बात पे एक सवाल बता दो टाइप ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड का क्वेश्चन बन सकता है में फटाफट से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा है ना बता दीजिए जरा फटाफट से आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर चार में से क्या चुनोगे आप बताओ आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर में से क्या चुनोगे बोलो फटाफट से बता दू आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर में से क्या चुनना पसंद करेंगे चलो भाई खान साहब ने आंसर चेन्नई दिया और बताओ और क्या कह रही जनता जनता क्या कह रही है साइड हट जाता हूं ऑप्शन दिख जाएंगे आपको चलो बताओ बहुत बढ़िया चेन्नई चेन्नई बहुत सही बहुत सही विशाल बेटा पाकीजा शिवांगी आदित्य अंश यात्रा करण क्या बात है बहुत बढ़िया भारी मात्रा में लोगों का एकदम सही आंसर आया है चेन्नई गौर से देख लो आप एक बार क्या कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस देखो ये जो लिखा है ना ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का जो फेस होगा वही लिक्विड सॉल्यूशन का होगा ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर देखो वाटर क्या होता है सबको पता है लिक्विड होता है तो ये लिक्विड सोल्यूशन का ये गैसीय सोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये देखो नाइट्रोजन गैस गैस आ गई सॉल्वेंट गैस है सोल्यूशन भी गैस होगा क्लियर है समझ गया बात को भारी मात्रा में लोगों का एकदम सही था अच्छा पहला दिन है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो देखा पहले दिन जो जोश है ना आपका यही अगर आखिरी दिन तक चल गया ना तो सिलेक्शन हो गया समझ लो इसी जोश के साथ तुम्हें पढ़ना है ठीक है और ध्यान रखो बेटा अपनी तकदीर के तुम खुद ही मालिक हो जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा डन चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया ना ये तो पैलेडियम सॉलिड होता है भाई चलो वेरी नाइस nice. अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर कॉन्सेंटेशन टर्म्स डिफाइन हम करते हैं किसी लिक्विड बहुत सारे आपको पहले से पता नाम तो ही होंगे अंदर से आवाज आ रही है हमारे तो आइए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारे कॉन्सेंटेशन टर्म्स को डिफाइन किया गया किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्योंकि अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया गया ठीक है तो क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं और वो किसके लिए हम कर रहे हैं फिर से वही वाली बात सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है तो अब हम जो सॉल्यूशन यहां पर लेकर चल रहे हैं वो हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा ध्यान रखिएगा ठीक है यहां पर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे मतलब सॉल्वेंट यहां पर लिक्विड होगा इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करने हैं किसके लिए इसके लिए क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं एक एक करके हम उनको समझेंगे अच्छे से और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे और आज का हमारा गोल यही है कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीखना है कई लोग पहले से जानते हैं आई नो लेकिन हमारे साथ रिवीजन कर लो तो अच्छा लगेगा आपको ठीक है बहुत बढ़िया चले आगे बढ़े चलो भाई तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके सामने आ रहा है मास परसेंटेज मास परसेंटेज को हम लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट ध्यान से सुनिएगा मास परसेंटेज को लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इस टर्म को अगर तुम्हें पढ़ना आ गया तो सवाल बनाना भी आ गया ध्यान से सुनना परसेंटेज वेट बाय वेट का अगर मैं आपको आइडिया दूं तो मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है एक्स परसेंट वेट बाय वेट एक्स परसेंट वेट बाय वेट एच टू एसओ फोर सपोज ऐसा लिखा हुआ है ठीक है आप लैब में गए लैब में एक बोतल पड़ी हुई है और उसमें लिखा है कि 49 नाइन परसेंट वेट बायट एस टू एस ओ फोर की बॉटल लाइए तो तुम्हें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है है ना तो मैं एक समझाने के लिए एक्स परसेंट ले लेता हूं ठीक तो लैब में रखी हुई उस बॉटल के लिए अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट उस पर लिखा हुआ है एस टू एसओल आपको दिखी चमकती हुई आप और आपका दोस्त गया था लैब में ठीक है दो लोग गए थे आप उसमें बात कर करे भाई ये क्या लिखा है कर अच्छा एक्स परसेंट वेट वाई वेट लिखा है मतलब फोर्टी नाइन परसेंट नाइनटी एट परसेंट फोर्टी टू परसेंट वेट वाईवेट लिखा है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब दूसरा दोस्त बताता है क्या कि परसेंट वेट वेट का मतलब है एक्स ग्राम सोल्यूट एक्स ग्राम सोल्यूट सोल्यूट क्या एच टू फोर तो एक्स ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन ड्रेड ग्राम सॉल्यूशन इसका मतलब ये देखो परसेंटेज किसके लिए होता है हंड्रेड के लिए होता है ना तो हंड्रेड के रेस्पेक्ट में हम बातें करेंगे है है ना तो इसका मतलब क्या सो ग्राम सोल्यूशन लिया तो उसमें एक्स ग्राम एच टू एस ओ फोर है सोल्यूट है तो बाकी क्या है हंड्रेड माइनस एक्स ग्राम क्या है सोलवेंट जिससे मिलकर वो सोल्यूशन सो ग्राम बना होगा सही बात है एकदम है ना मान लो ऐसा लिखा है मान लो ऐसा लिखा है फॉर एग्जाम्पल फोर्टी नाइन परसेंट वेट बाय वेट एच टू एसओ फोर बताओ जरा ओपन करके क्या बोल सकता हूं मैं इसको मैं बोलूंगा ग्राम इज प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन क्या ये बात सही है देखो फोर्टी नाइन ग्राम एच टू एसओ फोर है किसमें हंड्रेड ग्राम में तो सॉल्वेंट कितना है दादा देख लो चेक कर लो तो मैं इससे एक इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको बोला था सॉल्यूट में बी को बोलूंगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना कितना है 49 कितना है ग्राम ग्राम ठीक वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से 100 देखो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आसानी से कर पाओ है ना तो वेट ऑफ सॉल्यूट फोर्टी नाइन ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड ग्राम और तुम्हें पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट अगर जोड़ दो तो सॉल्यूशन का वेट होता है जानते हो आप तो अगर मुझे सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो सॉल्यूट का वेट 49 है और सॉल्यूशन का 100 है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 51 ग्राम क्या यह बात क्लियर है एकदम समझ रहे हो बात समझ में आई अगर उस बॉटल पर 49 परसेंट वेट बाय वेट एस टूसर लिखा है इसका मतलब उस बॉटल में अगर उसका 100 ग्राम में लू तो उसमें फोर्टी ग्राम एस होगा और फिफ्टी ग्राम उसमें सोलवेंट होगा क्या यह बात एकदम सही क्लियर समझ में आ गई बहुत बढ़िया तो ये बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया ओपन करके टर्म समझाया लेकिन न्यूमेरिकल जब अप्रोच तुम लगाते हो तो बेसिक टर्म्स तो में पता है तो अच्छी बात है लेकिन हम कुछ फॉर्मुलेज भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना तो हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं कैसे बना लेते हैं अगले पेज पर बनाएंगे पहले आप इसको नोट कर लो ठीक है लिख लो तो बता देना क्लियर इसको आप नोट कर लीजिए लिख लो तो हमें बता देना ठीक है लिख दो जरा अगर नोट कर लिया हो तो बता देना मुझे डन क्लियर है एकदम अब मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूं देखो जरा ध्यान से तो मैं परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला बना रहा हूं ध्यान से देखना परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड ऐसा बना सकता हूं मैं भाई हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज सॉल्यूट का है तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट नीचे कर दो सॉल्यूट का न्यूमरेटर में सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर में और परसेंटेज के लिए हंड्रेड को तो हम जानते ही है। तो ये आपका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा ओपन करना आपको सिखा दिया फॉर्मूला भी आपको बता दिया दोनों चीजें आपको बता दी क्लियर एकदम क्लियर एकदम बताओ किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता दो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो बहुत आसान है एकदम बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत सही जा रहे हो अरे इससे आसान क्या होगा ठीक है अरे यार मान लो कहीं लिखा साठ परसेंट वेट बाय सिक्सटी परसेंट वेट वेट तो क्या बोलोगे ग्राम है और सोल्यूशन सौ ग्राम है चालीस ग्राम है यार सीधा सा तो है क्लियर एकदम डन चलो भाई बहुत बढ़िया तो ये इसका फॉर्मूला टर्म समझाया इसी से रिलेटेड एक सवाल है तुरंत से पहले आंसर कर दो आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे सभी लोग चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे डन डन है बताओ जरा आगरा बदला बो चेन्नई डोलकपुर कितना आसान है कितना आसान देखो इफ अ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब बाई टेन परसेंट ग्लूकोज इन वॉटर देखो टेन परसेंट ग्लूकोज इन वॉटर इसका मतलब क्या है सोचो जरा इसका मतलब क्या है ध्यान से इसका मतलब क्या है देखो टेन परसेंट ग्लूकोज इन वॉटर का मतलब क्या है ग्लूकोज क्या है तुम्हारा सॉल्यूट तो बी लिख दिया वाटर क्या है सॉल्वेंट तो ए लिख दिया मैंने बोला था इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को बी मान के चलेंगे और सॉल्वेंट को ए मान के चलेंगे सही बात है ध्यान से है ना जनता फैल गई देखो मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में जनता बहुत तगड़ी फैली है देखो इधर देखो ग्लूकोज ये है और वाटर है ठीक है तो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं देखना जरा क्या लिखूंगा टेन ग्राम ग्लूकोज ध्यान से देखना Is present इन is प्रेजेंट इन कितना हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन बेटा ध्यान से देख लो इधर ध्यान से देख लो इधर अरे भाई जो तुम लिख रहे हो ना बदलापुर बदलापुर बेटा फंस गए अरे यार दस ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें सौ ग्राम सोल्यूशन में, में प्रेजेंट है ना तो सॉल्वेंट कितना बचेगा सोल्यूट का वेट कितना है दस ग्राम ग्लूकोज है ना सोल्यूशन का कितना है हंड्रेड ग्राम तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा सोल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दो 90 आ जाएगा भाई 90 ग्राम क्यों भारी मात्रा में जनता जो है बदला फोर आंसर दे अरे बहुत आसान है यार अब बता दो आंसर क्या दस ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंटेड नाइंटी ग्राम ऑफ वाटर तभी तो सौ ग्राम बना है भाई <laughs> क्या कर रहे हो यार तुम लोग तभी तो सौ ग्राम बना है सौ ग्राम कैसे बना होगा नब्बे ग्राम पानी सिंपल सा है दस ग्राम गुल डाला तभी तो सौ बना है।, है आया समझ में देख लो एक बार ठीक है क्लियर है एकदम छोटी तो छोटी गलतियां हो जाती हैं तुम लोगों से अभी देखा मैंने चैट बॉक्स में काफी लोगों ने गलती करी ये गलती मत करना है ना सीखना गलतियों से चले आगे मत करना फ्यूचर में आज हो गई है आज के बाद मत करना ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया चले आगे बढ़े बताओ कोई बात नहीं गलती हो गई लेकिन सीख लो अब आगे मत करना जिंदगी में है ना डन चलो भाई बहुत बढ़िया अगला मास परसेंटेज के बाद आता है मास बाय वॉल्यूम मतलब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अब ध्यान दीजिएगा जरा है ना मान लो ऐसा लिखा है कैसा ऐसा एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एच टू एसओ फोर तो इस टर्म को कैसे पढ़ेंगे आप बेटा इस टर्म को कैसे पढ़ेंगे इस टर्म को पढ़ेंगे एक्स ग्राम ध्यान से देखना x ग्राम एच टू एसओ फोर ज प्रजेंट इन इज प्रेजेंट इन हंड्रेड एम ध्यान दीजिएगा यूनिट पर हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखना है क्या लिखा है बेटा यहां पर देखो कभी भी ये जो परसेंटेज वाले टर्म होते हैं ना परसेंटेज वेट वाई वेट परसेंटेज वेट वाई वॉल्यूम ऐसे जो टर्म होते हैं ना इसमें बस फिक्स दिमाग में उठा लो कि अगर वेट होगा तो ग्राम में होगा और वॉल्यूम होगा तो एम में होगा और परसेंटेज है तो हंड्रेड आएगा बात समझ में आई क्या बोला मैंने वेट होगा तो ग्राम में वॉल्यूम होगा तो एम में और परसेंटेज होगा तो हंड्रेड सीधी सी कहानी ठीक है चलिए भाई इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो मान लो ऐसा लिखा फोर्टी नाइन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एस टू एसओ फोर क्या मतलब है इसका क्या लिखोगे x ग्राम H2SO4 टू इज प्रेजेंट इन 100 एम सॉल्यूशन इसका मतलब यह है मतलब ये है क्लियर मतलब ना तो ये कहानी है तो x ग्राम का मतलब है कि उतने ग्राम आपको सोल्यूट दे रखा है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में ठीक है तो आप लैब में गए लैब में एक बोतल पड़ी हुई थी एच टूएसएर की उसमें लिखा है वेट बाय वॉल्यूम क्या मतलब है उसका फोर्टी नाइन ग्राम उसमें है किस में? अगर उसका हंड्रेड एम एल लेंगे तो क्लियर डन अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में बना लेते हैं एक काम करते हैं यही बना लेते हैं ना अच्छा लगेगा आपको देखो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का अगर मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना है तो क्या वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें एम एल में ध्यान रखना ये यूनिट ठीक है वेट ग्राम में रहता है और वॉल्यूम यहां एम एल में रहता है इन टू हंड्रेड यह आपका फॉर्मूला बन गया परसेंटेज वेट वाय वॉल्यूम का वेट वाय वेट में क्या था ऊपर भी वेट नीचे भी वेट वेट वाय वॉल्यूम में क्या है ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम एमएल में सिंपल सी बात है ठीक है यहां पर एक्स लिख दिया मैंने फोर्टी नाइन लिख लो फोर्टी नाइन ग्राम है इधर फोर्टी नाइन है ना तो फोर्टी नाइन लिख दो वो एक्स से कनेक्टेड था इसलिए एक्स लिख दिया ठीक है तो फोर्टी नाइन लिखा है तो फोर्टी नाइन ही आएगा है ना एक्स नहीं आएगा वहां डन 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 हो गया चले आगे चलिए भाई नोट कर रहे हो तो लिख लो इसको जल्दी से बता देना मुझे लिख लो तो बता देना डन सर डन नोटेड पक्का सही बताओ ओहो क्या बात है आओ जरा एक सवाल हो जाए फिर इसी बात पे क्या लिखा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व टू मेक वन लीटर सोल्यूशन ऑफ टेन परसेंट वेट ग्लूकोज तो तुम्हें टर्म पढ़ना आना चाहिए अगर ये टर्म पढ़ दिया तो काम हो जाएगा और बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ठीक है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा है पढ़ो जरा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व टू मेक वन लीटर सोल्यूशन ऑफ टेन परसेंट वेट वाई वॉल्यूम ग्लूकोज तो ये जो परसेंटेज वाला टर्म है ना ये आप ओपन करके देखो जरा लिखो लिखो अरे लिखो भाई ऐसे क्या देख रहे हो इधर लिखो लिखो अपनी कॉपी में भैया हाथ चलते रहने चाहिए ऐसा नहीं कि देख रहे हैं अरे आज तो पहला ही क्लास है देख लेते हैं अरे भाई पहले क्लास से ही सवाल आ जाएगा यार ठीक है चलो जल्दी फटाफट से हम्म बताओ जरा क्या आंसर आया करो ओपन इसको कैसे लिखोगे कैसे लिखोगे टेन ग्राम ग्लूकोज इस प्रेजेंट इन एस प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन कितना आसान है टेन ग्राम हंड्रेड एम एल में तो तुम्हें कितना बनाना है एक लीटर बनाना है एक लीटर का मतलब कितना होता है पता है थाउजेंड एम एल होता है कहोगे सर ये तो हमें पता था बिल्कुल सही बात है तो 100 एम में 10 ग्राम है यार तो सिंपल सा हजार ml में कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू टेन 10 एम एल सोल्यूशन और यही जो लिखा है ना इसी को तो मैं लिख सकता हूँ थाउजेंड एम मतलब वन लीटर तो यही तो करना था तुम्हें मीन्स कितना टेन इंटू टेन कितना होता है भैया सौ होता है ना नहीं सिंपल सा आया सबका आंसर तो बस ये टर्म तुम्हें पता होंगे ना सवाल बना लोगे भाई टर्म तुम्हें पता होंगे सवाल बन जाएगा ठीक है क्लियर है एकदम क्लियर है एकदम चलें आगे बढ़े क्लियर हो तो बता दीजिएगा क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जल्दी से बता दीजिए इजाजत हो मालिक लोग तो आगे बढ़े जल्दी बताओ चलो बहुत ही बढ़िया अगला टर्म है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अच्छा अभी तुमने वेट बाय वेट पढ़ा फिर तुमने वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा अब तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो बताओ मान लो किसी बोतल पे लिखा है फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो बताओ उसका मतलब क्या है बोलो अरे दिमाग लगा लो अब तो यार वॉल्यूम मतलब एम एल होता है ठीक है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे लिखूंगा मैं ठीक मान लो ऐसा लिखा है परसेंटेज एक्स परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इसका मतलब क्या है कैसे लिखोगे इसको लिखोगे एक्स एम एल यस इथेनॉल देखो वॉल्यूम के लिए एम एल होता है एक्स एम एल इथेनॉल ज प्रजेंट इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन सिंपल सा ठीक तो अगर मैंने लिख दिया मान लो बताना जरा चैटबॉक्स में लिख के फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल किसी बॉटल पर तुम लिखा देखोगे तो उसका मतलब क्या है जल्दी से बता दो बोलो जरा क्या बोलोगे इसका मतलब है इसका मतलब है कि फोर्टी टू पॉइंट एट एम एल इथेनॉल इस प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ दॉल्यूशन सही बात है ना क्या मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है अरे भाई फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट लिखा था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसका मतलब क्या है 42.8 mL इथेनॉल है उसमें बॉटल में ठीक है कितने 100 ml अगर उसका सॉल्यूशन लेते हो तो एकदम सही जा रहे हो अच्छा इसका भी फार्मूला बना ना फार्मूला कैसा दिखेगा फार्मूला इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन हंड्रेड अब यहां पर हम डेफिनेशन लिखें

क्लियर है एकदम डन है मामला तो हम आगे चलें, बताओ जल्दी से डन है मामला एकदम तो तीनों टर्म क्लियर हैं, अब इन तीनों टर्म को समप करके हम एक स्लाइड में लिख लेंगे ठीक है और वो स्लाइड अपनी अगली है पहले इसको नोट कर लो तो बता देना पहले इसको नोट कर लो बोलो लो तो बता देना आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन आई है आ, अभी 7:15 फिफ्टीन पर एमडी सर का लेक्चर होगा इसी चैनल पर इसी जगह ठीक है 7:15 फिफ्टीन पर उनका लेक्चर होगा और कल से सारी क्लासेस जो है आपकी वो ऐप पर होंगी और कल की जो पहली क्लास है वो थ्री फाइव पे स्टार्ट होगी क्लियर एकदम क्लियर है लिख दू <laughs> अभी एमडी सर की 7:15 पर क्लास है अभी मेरी क्लास के बाद है ना और कल से सारी क्लासेस ऐप पर होंगी और पहली क्लास थ्री फोर्टी फाइव क्लियर चलो भाई आगे बढ़ा जाए तो मैं बात कर रहा था आपसे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो हम टर्म यहां ले रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं अभी जो मैंने तीनों तुम्हें टर्म बताए परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो उसको समअप करके हम बोल देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दी अब स्ट्रेंथ को हम किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं कई तरीके से स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है लेकिन आप मेजरली तीन तरीके पढ़ रहे हो कौन कौन से अगर मान लो थर्टी परसेंट लिखा हुआ है ठीक है थर्टी परसेंट एस टू एसेंट इथेनोल थर्टी परसेंट ग्लूकोज कैसे डिफाइन करेंगे थर्टी परसेंट तीन तरीके से डिफाइन होता है थर्टी परसेंट वेट बाय वेट है या थर्टी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है या थर्टी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और इन सभी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दी यहां पर यूज किया जाता है क्लियर डन है एकदम तो जो वेट बाय वेट वेट वर्ड यूज करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ दी सॉल्यूशन अब वो तुम्हें न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया है ठीक क्लियर है डन मामला तो ये स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं नोट कर लो तो बता देना ठीक डन मामला अब यहां लिखा मान लो तीस परसेंट वेट एस टू एसओ फोर तो थर्टी ग्राम एस टू एसओ फोर इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन। वो सब आप जानते हो पीछे पड़ चुके हो बस मैं ये बता रहा हूं कि इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं ठीक चलो भाई आगे चलते हैं अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम क्या डिफाइन कर रहे हैं पीपीएम पीपीएम हम वहां पर यूज करते हैं जब तुम्हारा सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में या ट्रेसेस में मौजूद होता है बहुत कम अमाउंट में जो मौजूद होता है तो पीपीएम को हम डिफाइन ऐसे करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को फॉर्मुले के फॉर्म में लिख रहा हूं इसको हम ऐसे करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू टेन टू दावर सिक्स अच्छा इसका मतलब क्या है पीपीएम को हम पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं अब जरा गौर से देखो ये परसेंटेज वेट बाय वेट से कुछ कुछ मैच कर रहा है ना क्यों परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या होता था वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू हंड्रेड होता था किसमें परसेंटेज वेट बाय वेट में याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो परसेंटेज वेट बाय वेट जैसा ही है ये बस वहां तुम परसेंटेज होता है तो हंड्रेड के रेस्पेक्ट में लेते हो और यहां तुम टेन की पावर सिक्स के रेस्पेक्ट में लेते हो बस यह है मतलब अगर तुम्हें वो एक लाइन वाली डेफिनेशन लिखनी हो तो तुम बोल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टेन टू दी पावर सिक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्लियर वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टेन की पावर सिक्स ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो है ना तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट से मिलता जुलता सा है है ना तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ही होता है इंटू टेन की पावर सिक्स तो ये पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन होती है इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है बेटा इसका यूज किया जाता है हार्डनेस ऑफ वॉटर वाला याद करो हाइड्रोजन चैप्टर में अपना था हार्डनेस ऑफ वॉटर में पीपीएम का यूज होता है है ना हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ये सब वाटर पढ़ रखे ना अपन ने तो अभी तो हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्मस से मतलब पीपीएम किसके रेस्पेक्ट में होता है बताओ जरा दिमाग में टेन की पावर सिक्स के रेस्पेक्ट में ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया आओ जरा सवाल बता दो पहला सवाल आपके सामने था हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजुअली एक्सप्रेस इन हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजली एक्सप्रेस इन आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर क्या लग रहा है आपको आंसर बताओ एक बच्चा कह रहा है कि सर स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में मैं ये मैं यही तो बोल रहा हूं देखो अभी एक बच्चे ने पूछा है डाउट मैं यहां पर जब था देखो स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था तो स्ट्रेंथ जो तुम पढ़ते हो वो ये वाली पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं होती मैंने बोला भी था आपको कि स्ट्रेंथ कई तरीके से डिफाइन की जाती है ये तीन हमारे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है अभी एक बच्चे ने लिखा है चैट बॉक्स में कि सर ग्राम पर लीटर में भी तो स्ट्रेंथ होती है हमने क्वेश्चन बिल्कुल होती है तो स्ट्रेंथ एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही तो है अब वो ग्राम पर लीटर लिखा है या परसेंटेज वेट वेट बाय लिखा है या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा है वो तुम देख लेना है ना चलो भैया बताओ आ जाओ क्या लग रहा है सीधा सीधा आंसर है पीपीएम में डिफाइन करते हैं अपन हार्डनेस ऑफ वाटर में याद करो

एक बच्चा पूछ रहा सर पार्ट्स वाला एक वर्ड यूज किया करते हैं ना ऐसा इसको ऐसा बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ सी एस सीओ थ्री प्रेजेंट इन टेन टू दी पावर सिक्स पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऐसे अपन डिफाइन करते हैं तो उसको तुम ग्राम के फॉर्म में बोलते हो जब तुम कैल्सियम कार्बोनेट के फॉर्म में मेजर करते हो चलो भाई अगला सवाल बताएं। अ 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल Has gram बताना है अभी मैंने आपको पीपीएम का फॉर्मूला बताया था क्या पार्ट फॉर मिलियन पीपीएम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड टेन टू दावर सिक्स हंड्रेड टेन टू दावर सिक्स इसी का कुछ इस्तेमाल करो और आंसर बताओ क्या आना चाहिए बोलो आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर जल्दी से बोल दो बहुत आसान है देखो ये जो लिखा है ना ये ये सॉल्यूशन का वेट है है ना और ये जो लिखा है ये आपका सॉल्यूट हो गया फटाफट पट से आंसर निकाल दो सभी लोगों का आना चाहिए पॉइंट जीरो टू डिवाइडेड बाय 500 इंटू टेन टू पावर सिक्स सॉल्व कर लो और आंसर बता दो फटाफट से आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर क्या लग रहा है फटावट से समझ गया ना कैसे पुट किया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व कर लो इसको कितना आ रहा है 0 .2, 0 .2 10 की पावर सिक्स ये कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा चेक कर लो ऊपर और नीचे पांच सौ ठीक फोर्टी आ जाएगा बदलापुर आ जाएगा पीपीएम में चेक करना जरा बदलापुर आ रहा है क्या आंसर क्लियर डन आगे बढ़ू क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जल्दी फटाफट से बता दीजिए है ना चलो भाई अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बताएं, बताएं जरा क्या कह रहे हैं थाउजेंड ग्राम एक्व सोल्यूशन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट कंटेंस टेन ग्राम ऑफ कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोल्यूशन बताओ PPM में निकालना है तुम्हें बताओ जरा पीपीएम में निकालना है निकाल सकते हो आंसर क्या आंसर बता सकते हो एक बच्चा पूछ रहा है कि यूनिट बेटा ये जो पीपीएम है ना यही लिखते हैं अपन आगे 20 पीपीएम 40 पीपीएम 100 पीपीएम इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन का आगे यूनिट लगाया जाता है है ना बोलो देखो लिखा है ना यहां ऑप्शन में भी पीपीएम में तो यही यूज करते हैं बताओ जरा थाउजेंड ग्राम है और कैल्सियम कार्बोनेट करने ग्राम ऑफ़ कार्बोनेट तो PPM में अगर मुझे लिखना है तो टेन ग्राम कार्बोनेट दे रखा है मतलब वेट ऑफ सोल्यू बाय टेन की पावर थ्री कर दू नीचे थाउजेंड इंटू टेन की पावर सिक्स ऊपर हो गया कितना आ गया ये 10 की पावर फोर आ जाएगा पीपीएम टेन थाउजेंड ढोलक आसान है, है. टेन की पावर सिक्स मतलब के रेस्पेक्ट में तुम सोल्यूट का वेट बताते हो मान लो मेरे पास सोल्यूशन है टेन की पावर सिक्स ग्राम सोल्यूशन मैंने ले लिया तो उसमें कितना वेट उस सोल्यूट का है उसको पीपीएम बोलते हैं है ना डन चले आगे चलो भाई बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चल रहा है मामला सबका फेवरेट मोलैरिटी पढ़ा है ये तो सबका फेवरेट मोलैरिटी क्या कहता है मोलैरिटी अरे बहुत आसान है कैपिटल एम लिखते हैं इसको ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन सोल्यूट के मोल एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबका फेवरेट मोलारिटी ठीक है तो क्या फॉर्मूला बनेगा मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भाई एक लीटर तुमने सॉल्यूशन लिया उस एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं उसको हम बोलते हैं मोलरिटी बिग एम बिग एम बताओ जरा है ना डन चलो भाई लिख लो एक लाइन की डेफिनेशन पता कि तो अच्छी बात है डन है मोल पर लीटर बिल्कुल सही बात है वाह क्या बात है मोल्स ऑफ ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर मोल पर लीटर यूनिट है क्या बात है गजब उसको मोलर भी बोलते हैं है ना डन बहुत सही आइए जरा आगे बढ़ते हैं पहला सवाल आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन पर बताएं जरा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिलेट्स द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए बी सी डी चार में से आपको चुनना है बताएं जरा क्या आंसर आएगा एक बच्चा कह रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो जहां वॉल्यूम टर्म आ रहा है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे जहां वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे ठीक है चलिए बताएं बहुत आसान है सबका आंसर आ चुका है क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है और सॉल्यूट के मोल्स होते हैं क्लियर डंडनाडन ढोलकपुर एकदम धुआंधार आंसर है चले आगे चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है आंसर निकाल कर बताएंगे द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या कह रहे हैं

मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये मोल्स निकाल रहा हूं मैं ठीक है तो मोल्स बता दो कितने आएंगे 5.85 वेट है और मोलिकुलर वेट कितना है 58.5 तो ये आ जाएगा पॉइंट वन क्लियर यह आ गए मोल्स अब तुम्हें निकालना है मोलारिटी तो मोलारिटी बिग एम क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स तो सोल्यूट के मोल पॉइंट वन है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है पांच सौ एम पांच सौ एम का मतलब हो गया पॉइंट पांच लीटर सही है ना थाउजेंड से डिवाइड कर दो है ना तो ये आ जाएगा वन बाय फाइव ऑप्शन क्या है पॉइंट टू क्लियर एकदम ढोलकपुर सभी लोगों का आ रहा है पॉइंट टू मोल पर लीटर लिखो या पॉइंट टू मोलर बोल दो ठीक है क्लियर है क्लियर है मोल्स निकालने आते हैं वेट 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 दिया हो तो वेट अपन वेट, सिंपल सा जिसको आते अच्छी बात नहीं आते लिख लो मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ठीक है एक कह रहा है कि सर आपने ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बताया वो क्या है जैसे समझ लो जरा इधर जैसे यहां पर देखो वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो वॉल्यूम कनेक्टेड रहता है टेम्परेचर से टेंपरेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली चीज है ये ये ध्यान रखना ठीक है तो अगर वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो मोलैरिटी को बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने बता दिया क्लियर है एकदम डन आगे बढ़े क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं चलिए भाई

बताइए जरा बताओ एक कह रहा है पॉइंट पांच कैसे आ अरे मालिक क्या बात कर रहे हो पांच सौ एम को अरे अंकल ऐसे मत करो पॉइंट पांच लीटर लिख सकते हैं कि नहीं एम को लीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं ऐसा ना करो यार पहला ही दिन है चलो अगला सवाल बताओ क्या आ रहा है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यन्ने OH, और इसका मोलिकुलर वेट होता है कितना ऐड कर लो जरा ट्वेंटी थ्री प्लस सेवनटीन वही सिक्सटीन इसका वन इसका फोर्टी लिख दू तो मोल्स निकाल लेते हैं किसके सॉल्यूट के कितने आएंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वन बाय एड लिख दू और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है एम में है कितना ढाई सौ है ढाई सौ एम है थाउजेंड से डिवाइड कर दो तो वन बाई फोर लीटर आ जाएगा क्या यह बात सही है एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ये आ जाएगा वन बाई एट अपॉन वन बाय फोर तो फोर से एट कट गया आपका टू टाइम्स वन बाई टू आ जाएगा और वन बाय टू कितना होता है पॉइंट पांच ठीक है क्या यह बात एकदम सही है क्या आप सभी लोगों का आंसर आ गया था बहुत बढ़िया बेटा प्रतिभा अंकुर आमीन इंडियन गाइज क्या बात है गाइज आर्यन दीपांकर सौरभ अतुल अनमोल शौकत तनुश्री शिवानी क्या बात है बहुत सही जा रहे हो यार भारी मात्रा में सही आया है गार्गी बेटा पॉइंट टू नहीं पॉइंट पांच आना चाहिए क्लियर है आगे बढ़े क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जवाब दो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या बात है पहले ही दिन फॉर्म में ये बेटा चलिए भाई अगला सवाल मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया क्या है देख रहे हो क्या मस्त लिखा है नहीं भी होता तो हमें पता होना चाहिए था यूरिया का फॉर्मूला होता है नाच दो सीओ नाच दो और अगर ये नहीं दिया होता हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए था ये है ना चलो भाई अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग सिक्स ग्राम यूरिया इन एक लीटर बताना है आपको मोलैरिटी देखो क्या लिखा है ये बताना है, है ना ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि तुम्हें निकालना क्या क्वेश्चन में ही लिखा ऑप्शन की यूनिट से मोलर 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 मतलब ठीक है बताएं जरा बताइए बोलो क्या लग रहा है क्या करेंगे देखो वेट ऑफ यूरिया तुमको गिवन है कितना छह ग्राम मोलिकुलर वेट भी तुमको दिया था सवाल में सिक्सटी क्या तुम यहां से मोल निकाल सकते हो क्या सिक्स बाय सिक्सटी इक्वल टू वन बाय टेन क्या बात है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया वन लीटर तो मोलैरिटी कितनी आ गई वन बाई टेन बाय वन मतलब वन बाय टेन ही होता है यार पॉइंट वन सिंपल एकदम चेन्नई इज द राइट आंसर ये भी तुम्हारा पी क्यू है दो बार आया था ये डन चले क्या आगे बढ़े क्या आगे क्या बात है बहुत बढ़िया इजाजत है मालिक लोग आगे बढ़े क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जल्दी बोलो डंडन डन डन चलो भाई बहुत बढ़िया वेरी नाइस आगे चलते हैं हम अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर कौन सा मोलेलिटी हाँ अगला कॉन्सेंट्रेशन हमारा मोलेलिटी क्या है मोलेलिटी मोलैरिटी का छोटा और तोतला भाई है मोलैरिटी का छोटा और तोतला भाई है मोलेलिटी बोलो जरा एक बार मोलेलिटी तो मोलेलिटी कैसे डिफाइन होता है देखें जरा हम हाँ, इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट बेटा इस वाली लाइन को कम से कम पांच बार बोलो पांच बार बोलो कम से कम कम से कम पांच बार बोलो वन के जी ऑफ सॉल्वेंट वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट वन के जी सोलवेंट वन के जी सोलवेंट वन के जी ध्यान रखना यहां सॉल्वेंट का एक किलोग्राम लिया तुमने उसमें कितने सॉल्यूट के मोल है इसको मोलिटी बोलते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा और इसको स्मॉल इस एम से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यस सॉल्वेंट को ए बोलते हैं सोल्यूट को बी बोलते हैं कौन पंकज सर इन इनकेजी ध्यान से देखो जरा तो मोलिटी क्या आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मोलैरिटी में बेटा सॉल्यूशन हुआ करता था याद करो मोलैरिटी में सॉल्यूशन होता था यहां क्या है सोलवेंट है ठीक है समझे

डन है चले क्या आगे बढ़ें क्या हम्म बहुत बढ़िया चलिए भाई ये 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 सवाल आया आपके सामने ये चलो भाई सवाल करेंगे सवाल करेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर बहुत बढ़िया जनता का भारी मात्रा में सही इंडिपेंडेंट ही था वेरी गुड इंडिपेंडेंट ही था वेरी गुड चलिए भाई सवाल कर लीजिए ली से अ सॉल्यूशन सोल्यूशन चेक कर लो सॉल्यूशन सोल्यूशन सोलवेंट सॉल्वेंट ये चेक कर लो क्या लिखा है सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो मोलिटी में सॉल्वेंट होता है ठीक है तो ये दोनों तो हटा दो सॉल्यूशन सॉल्यूशन गलत हो गया सॉल्वेंट वाला थाउजेंड सीसी या थाउजेंड ग्राम थाउजेंड ग्राम मतलब था क्वेश्चन है अपना इसको कर लीजिए तो आज हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े वो मोलेलिटी तक आपके कवर हो चुके हैं बाकी एक दो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचे हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे है ना अभी आपकी अगली क्लास एम डी सर की होगी इसी चैनल पर सेवन फिफ्टीन पर ठीक है एक लास्ट सवाल मुझे करके बता दीजिए तो आपको सारे टर्म क्लियर हैं परसेंटेज वेट, वेट 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 वॉल्यूम 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 बाय ठीक है जरा क्या 18 glucose, 500 बता आंसर। तो पहले मोल निकाल लें ये तो वेट दिया है ना ग्राम में तो ग्लूकोज के मोल कितने आ जाएंगे 18 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना मीन्स वन बाय टेन क्या ये बात सही है मोल निकाल लिए थे आप लोगों ने वन बाय टेन वन बाय टेन वन बाय टेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी तो 500 ग्राम था ना बेटा 500 ग्राम का मतलब कितना होता है आधा किलो सही है ना आधा किलो होता है ना चलिए भाई तो मोलिटी क्या आ जाएगी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट वन बाय डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्वेंट इन के जी वन बाई टू ये आ गया वन बाई फाइव और वन बाई फाइव कितना जी यानी कि मोलल स्मॉल भी लगा सकते हो है ना तो मोल मोलल चेन्नई इज द राइट आंसर है ना अगर तुम्हें मोलैलिटी की यूनिट लिखनी है ना जैसे यहां पर तुमने मोलेलिटी लिखा तो यहां मोल पर के जी लिख सकते हो ना और मोल पर के जी को ही हम स्मॉल एम लिख सकते हैं मोलल लिख सकते हैं ठीक है ठीके? है एकदम डन है मामला चलो भाई इसको नोट कर लो फिर हम नेक्स्ट टर्न पर मुलाकात करेंगे नोट कर लो इसको साइड हो जाता हूं और कुछ बातें आपसे कर लेते हैं आज की ही क्लास आपकी सिर्फ ऐप पर नहीं हुई है बाकी कल से ऐप पर क्लास होगी आपकी है ना डन है थ्री फोर्टी फाइव कल से टाइम है अपना जो पहली क्लास होगी थ्री फोर्टी फाइव पर होगी ठीक और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो ऐप पर आपको मिल जाएंगे और ये लेक्चर भी आपको ऐप पर अपलोड हो जाएगा ठीक है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहां से लेक्चर निकाल के वहां डालना पड़ेगा ठीक है क्लियर है एकदम तो ये लेक्चर का जो वीडियो है वो भी आपको ऐप में मिलेगा ठीक है और दूसरा ये कि आपको नोट्स ऐप पर मिल जाएंगे और तीसरा ये आपको डीपीपी भी ऐप पर मिल जाएगी ठीक है डीपीपी मिलेगी आपको है ना अभी आप जब बायो की क्लास करके निकलोगे ना तो देखोगे केमिस्ट्री की डीपीपी आ गई हो भाई सवाल करेंगे है ना क्लियर है एकदम तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी बहुत ज्यादा नई चीज नहीं थी आपके पास क्लियर बहुत ज्यादा नई चीज नहीं थी पुरानी पुरानी ही चीजें थी ठीक चलो भाई अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जाते जाते हम आपको बोल देते हैं थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने सपोर्ट किया अच्छा लगा क्योंकि आज की क्लास क्या है पहली क्लास थी तो हम में से कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि क्लास ना चले भाई कौन चाहता है कि क्लास ही ना चले कि मजा आ रहा है क्लास ना चले हम लोग बस ट्राई कर रहे थे तो हम आगे देखो पढ़ाने के लिए पढ़ाना था बस आज आज की क्लास नहीं छोड़नी थी ठीक है चले फिर तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जाते जाते शायरी सुना तो एम सर इंतजार कर रहे होंगे देखो अभी देख भी रहे होंगे एमडी सर <laughs> जाते जाते सुन लो फिर जल्दी फटाफट से पहला लेक्चर है आज थोड़ी मोटिवेशन वाली दे देते हैं हाँ वही कहाँ गई तो जितना पढ़ाया गया बेटा वो सब रिवाइज कर लेना आप है ना ज़्यादा चीजें नहीं पढ़ाई है मैंने आज कॉन्सेंट्रेशन टाइम ही तो पढ़ाया है इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए नहीं डन एकदम मामला नोट्स बेटा सारे बनाना हम्म मोटिवेशन वाली निकालते हैं कोई हम्म चलो भाई एक मोटिवेशन वाली ले लो और फिर बायो पढ़ो ठीक तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी ठीक है तो अब हम मुलाकात करेंगे कल और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ओके बाय